सुल्तानपुर पुलिस की लुटेरों से हुई मुठभेड़, रात में गोलियों से गूंज उठा बल्दीराय थाना क्षेत्र, मुठभेड़ में शातिर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। सुल्तानपुर में लगातार लुटेरों का गैंग एक्टिव है। ये सभी लुटेरे अपने शिकार पर नजर बनाए हुए हैं। मौका मिलते ही ये अपने शिकार पर धावा बोल देते हैं, लेकिन सुल्तानपुर पुलिस भी इन पर नकेल कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बीते दिन सुल्तानपुर पुलिस के हत्थे 3 लुटेरे एक साथ चढ़ गए और पुलिस ने जो खुलासा किया वो काफी हैरान करने वाला है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। मामला बीते 11 नवंबर का है, जहां बल्दीराय थाना क्षेत्र के बालापार भकरी गांव के रहने वाले सूर्यकरण मिश्रा के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक सूर्यकरण मिश्रा एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं। सूर्यकरण बैंक से 50,000 रुपए निकालकर अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें 3 बदमाशों ने घेर लिया। सूर्यकरण को कुछ समझ नहीं आया और वो घबरा कर पीछे हटने लगे। तभी इन बदमाशों ने कट्टा निकालकर सूर्यकरण पर तान दिया और उनके पास मौजूद 50,000 सहित जेब में रखे सारे पैसे छीन कर फरार हो गए। सूर्यकरण अभी कुछ समझते कि तब तक आरोपी अपनी बाइक से फरार हो गए। सूर्यकरण ने मामला दर्ज कराया तो पुलिस भी एक्टिव हुई और सभी मुखबिरों तक खबर फैला दी गई। पुलिस को बीती रात किसी ने कॉल करके बताया कि ये आरोपी डीह गांव के पास दिखे हैं। पुलिस टीम वहां पहुंची और तीनों को घेर लिया। आरोपियों ने डरकर भागने की फिराक में पुलिस पर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में खुद ही घायल हो गए। 11 नवंबर को थाना बल्दीराय में एक रिटायर्ड कर्मी सूर्यकरण पारा बाजार की तरफ से आ रहे थे, बैंक से 50,000 रुपए निकाल के। इनके रास्ते में, बल्दीराय के रास्ते में इनको रोक के 3 वनवासियों ने कट्टे के बल पे इससे 50,000 रुपए लूट लिए थे, जिस पे थाना बल्दीराय में अपराध पंजीकृत किया गया था। और आज उन्हीं मुखबिर की सूचना पे वो तीनों अभियुक्त की से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में आज एक जो राम पहला अभियुक्त जो है राम नारायण, ये एक सजायाफ्ता अभियुक्त है जो अभी शिमला हिमाचल प्रदेश में जेल काट के आया है, लूट के ही मामले में था और इसके कई अन्य आपराधिक इतिहास हैं। दूसरा जो है राजा उर्फ अनूप सिंह, ये 376 के मामले में जेल में था, उसके बाद फिर ये जेल से छूटा था तो इसने फिर हत्या का प्रयास, 307 का अभियुक्त बना और इस पर और भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। तीसरा अभियुक्त जो है वह विकास जो है उसे भी गिरफ्तार किया गया है, जो लूट में वाहन प्रयोग किया गया था वो वाहन की बरामद की हुई है और इनके साथ जो असलहे थे वो बरामद हुए हैं और साथ ही 18,000 लूट का ये अभी बरामद हुआ है। विधिक कार्रवाई की जा रही है, जो इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल लाया गया है और हॉस्पिटल के बाद और विधिक कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में अयोध्या के बाबा बाजार गणेशपुर का रहने वाला राम नारायण गिरफ्तार किया गया है, जो कुछ दिन पहले ही शिमला से सजा काट कर आया है। आरोपी पर लूट सहित कई मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। वहीं दूसरे आरोपी का नाम अनूप सिंह है, जो कुछ दिन पहले ही दुष्कर्म के मामले में सजा काट चुका है। उसके बाद उस पर हत्या करने के प्रयास का मामला भी दर्ज किया गया और वो फरार था। वहीं तीसरे आरोपी का नाम विकास बताया जा रहा है, जिसके आपराधिक इतिहास की कोई बात सामने नहीं आई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक और 18,000 रुपए के साथ साथ 3 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये खबर हमारे संवाददाता अफजल खान ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।